ये भी चेता देना चाहते हैं कि यदुवंशी समाज का इतिहास रहा है न्याय दिलाने का। महाभारत में भी हमने न्याय दिलाया था और किस तरीके से दिलाया था सब जानते हैं। नाम और परिचय को बता दीजिए, क्या है? मेरा नाम राव सचिन इंजीनियर, जंगी ठिकाना बिहारी से। तो क्या सारा मामला है आप परिवार में, जिस तरह से देख रहे हैं क्या माहौल बना हुआ है, क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या क्या कार्रवाई की गई है? देखिए पूरा मामला तो भाई साहब राव पृथ्वी सिंह जी की हत्या और उनके साथ जो फ्रॉड हुआ शादी के नाम पर उससे रिलेटेड है। और परिवार की जो स्थिति है अभी वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप लोग एक बार आइए पृथ्वी सिंह जी के घर पे और खुद अपनी आंखों से देखिए कि क्या हो रखा है, क्या हाल हो रखा है उन बहनों का, उन माताश्री का और उनके पिताजी का। उनकी मृत्यु के बाद में जिनके बेटे को छल कपट से जहर देकर मार दिया गया, उनके पैसे हड़प लिए गए, उस परिवार का क्या हाल हो सकता है ये मैं कैसे शब्दों में बयां करूं। तो अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या क्या कार्रवाई की गई है? देखिए दिल्ली पुलिस खुद उनको ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल लेके गई थी कि जब उनको पॉइजन दे रखा, और उसके बाद भी 10 दिन हो गए हमारे भाई को गए हुए, लेकिन अभी तक कोई FIR लॉन्च नहीं हुई उस लड़की के खिलाफ, उसके परिवार, उस लड़की के परिजनों के खिलाफ। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पुलिस प्रशासन के बीच में जो गैप्स हैं वो दिखाता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो देश, अपने समाज, अपने परिवार, अपने गांव का नाम रोशन कर रहा था, उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और पुलिस 10 दिन तक एक FIR लॉन्च नहीं कर सकती। छोटे से छोटे मामले में भी आज मैं यहां किसी को धक्का दे दूं तो उस मामले में भी 10 मिनट के अंदर 0 FIR लॉन्च हो जाएगी, लेकिन इतने बड़े मामले के अंदर अभी तक FIR लॉन्च नहीं हुई है। और हमें यह जानने में भी आया है कि उस लड़की का कहीं बाहर भागने का भी प्लान है। ऐसा ना हो कि FIR लॉन्च करने में और अरेस्ट करने में इतनी देरी हो जाए कि वो सारे अपराधी इस देश से कहीं बाहर जाके बस जाएं और हमारी गिरफ्त से बाहर हो जाएं। और हम ये भी चेता देना चाहते हैं कि यदुवंशी समाज का इतिहास रहा है न्याय दिलाने का। महाभारत में भी हमने न्याय दिलाया था और किस तरीके से दिलाया था सब जानते हैं। वही महाभारत हम फिर से रच देंगे अगर हमारे भाई साहब के साथ न्याय नहीं हुआ तो, अगर इन पिताजी के साथ न्याय नहीं हुआ तो वही महाभारत होगी, चाहे वो महाभारत हमें हाई कोर्ट में करनी पड़े या सड़कों पर करनी पड़े, हम जरूर करेंगे। इस मामले को जल्दी से फास्ट ट्रैक में लगाएंगे।